अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 5.4, आज हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन 5.5। 5.6, 5.7 इससे पहले अपलोड हो चुका है और वो आप देख सकते हैं। 5.5 लास्ट है, इसके बाद हम चैप्टर सिक्स नहीं बल्कि मैं पहले उससे पहले कोशिश करूँगा कि 4, 3, 2, 1 के वो सवाल सॉल्व करके डाल दूं जो मैंने बोला था कि मैं ए सीरीज़ वाले सॉल्व करूंगा, बाकी जो है बुक के पीछे गिवन है, तो मैं वाले जो बचे हुए हैं वो भी सॉल्व करके डाल दूंगा, ताकि फिर अलग से फिर मुझे अगर बाद में कमेंट सेक्शन में कोई डिमांड है तो अलग से ना बनाना पड़े, ताकि मैं पूरे सीरीज़ कम्प्लीट हो हमारी, मतलब इस बुक की जो हमारी फ्रैंकफर्ट है जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो भी फिर हम जो है जब वो हमारी पूरी सीक्वेंस आ जाएगी उसके बाद फिर हम चलेंगे चैप्टर सिक्स पे। तो बेसिकली चलें शुरू करते हैं 5.5 और देखते हैं ये कौन से टाइप का सवाल है। मेरे ख्याल से ये उसी के जैसा है जो हमने सवाल पहले सॉल्व किए हैं। एंटर द फॉलोइंग इन द पर्सनल अकाउंट्स, डेट इज द क्रेडिटर एंड डेबिटर अकाउंट्स ओनली, डू नॉट राइट अप द अदर अकाउंट्स, बैलेंस ऑफ ईच पर्सनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेट विच ऑफ द बैलेंसेस रिप्रेजेंट डेबिटर्स एंड विच रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स। पढ़ के ही आपको समझ आ गया होगा, ये बिल्कुल पहले जैसा सवाल है। हमें खाली वो अकाउंट्स रिकॉर्ड करना है जो कि डेबिटर और क्रेडिटर्स अकाउंट्स हैं, यानी कि सेल्स, परचेज, कैश, बैंक वगैरह हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना, खाली जो पर्सनल अकाउंट्स है वो रिकॉर्ड करना है। और महीने के एंड में हमें उसको बैलेंस ऑफ करना है, यानी कि हमें उसके क्लोजिंग बैलेंस निकालने हैं और हमें बताना है अगले महीने के एंड में कि हमारे ये बैलेंसेस बाकी थे जो कि अगले महीने के हमारे ओपनिंग बैलेंस बनेंगे। क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने के, जाहिर सी बात है, ओपनिंग बैलेंस होते हैं। आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस हमें ये बताना है कि उस अकाउंट्स में से जो हमने टोटल अकाउंट्स हम बनाएंगे 8-10 जितने भी वो बनेंगे, उसमें से डेबिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं सवाल किस तरह सॉल्व होगा। सितंबर के महीने की पूरी ट्रांजेक्शन हैं, 1st of September से शुरू करते हैं। सेल्स ऑन क्रेडिट टू JB, TDay, JSOL, तो इन तीनों को हमने जो है सेल्स किया, यानी कि कुछ माल बेचा है क्रेडिट पे, यानी कि उन्होंने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं। तो इन तीनों के मैं पहले सबसे पहले अकाउंट्स बना लेता हूँ, टी अकाउंट्स, TDay, JSOL। तो इन्होंने हमसे क्रेडिट पे माल लिया है, तो जाहिर सी बात है इनके अमाउंट हम डेबिट में लिखे जाएंगे क्योंकि ये हमारे डेबिटर्स हैं। जब ये हमारे को पे कर देंगे तो इनका हम क्रेडिट पे लिख के खाता क्लियर कर देंगे। तो फर्स्ट को इन्होंने सेल्स से हमें हमारी है 5.20, TDay की है 1st September की सेल्स 630, उसके बाद JSOL की 1st September की सेल्स 240। तो ये पहले सितंबर की ट्रांजेक्शन थी। उसके बाद है 2nd of September, परचेजेस ऑन क्रेडिट डी ब्लू 390, एफ राइस 510, पी ली 280। ये तीन बंदों से इस बार हमने खुद सामान लिया है, यानी परचेजिंग की है क्रेडिट पे, तो इनकी वैल्यू हम क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर हैं। डी ब्लू, एफ राइस, पीली, डी ब्लू, एफ राइस, पीली। डी ब्लू से हमने परचेजिंग की है 390, एफ राइस से 510, पीली से 280। तो ये थी 2nd of September की ट्रांजेक्शन। उसके बाद आ जाते हैं 8th of September को, सेल्स ऑन क्रेडिट टू TDay LHOB। तो इस बार हमने थोड़ा सा और सामान बेचा है, लेकिन इस बार एक नया बंदा ऐड हुआ है TDay के अलावा LHOB, जिसका टी अकाउंट हमारे पास नहीं है, तो हम वो बना लेते हैं LHOB। TDay को हमने तो और सामान बेचा है 8 को कितने का, 640, और LHOB को 480, LHOB को 480। ये थी हमारी 8 सितंबर की ट्रांजेक्शन। उसके बाद आ जाते हैं 10th of September को, परचेजेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम एफ राइज जे आर जेम्स। एफ राइज हमारा वही पुराना बंदा है, लेकिन आर जेम्स यहाँ पे नया ऐड हुआ है, इसका भी हमारे पास टी अकाउंट नहीं है, और आर जेम्स का भी टी अकाउंट हम बना लेते हैं। एफ राइज से हमने परचेजिंग की है थोड़ी सी और वो कितने की है, वो है 92 की,
आर जेम्स से भी हमने परचेजिंग की है, कितने की? 870, ज़्यादा सामान ले लिया लग रहा है इससे। उसके बाद आ जाते हैं 12th of September को, रिटर्न्स इनवर्ड फ्रॉम जे सोल 25 टी डे 190। रिटर्न इनवर्ड हुआ यानी कि सेल्स रिटर्न हुआ है, हमारे पास रिटर्न हुआ है कुछ सामान, तो रिटर्न्स इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न जे सोल की तरफ से हुआ है और टी डे की तरफ से हुआ है। तो सबसे पहले जे सोल का लिख लेते हैं, जे सोल ने हमें सेल्स रिटर्न किया है, बल्कि सॉरी मैं इसको एस डॉट आर लिखता हूँ जगह की वजह से। सेल्स रिटर्न हुआ है जे सोल की तरफ से 225 का, टी डे की तरफ से हुआ है 190। उसके बाद है हमारा 17th of September, वी रिटर्न गुड्स टू एफ राइस आर जेम्स। इस बार हमने कुछ सामान वापसी किया है एफ राइस को और आर जेम्स को, तो एफ राइस को हमने 17th को पी डॉट आर यानी कि परचेज रिटर्न किया है, कितने का? एफ राइस को 92 और आर जेम्स को 84। आर जेम्स को 84। उसके बाद आ जाते हैं 20th of September को, वी पे डी ब्लू बाय चेक 390। डी ब्लू को हमने जो है पैसे पे किए हैं चेक के ज़रिए, 20 को चेक के ज़रिए यानी कि बैंक में हमने पैसे पे किए 390, यानी कि इसका खाता हमने क्लियर कर दिया है, हमारे पर जो लाइबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई है इस अकाउंट की। 24th को जे बी पेड अस चेक बाय पेड अस बाय चेक 400, जे बी ने हमें 400 पे किए हैं। जे बी हाँ जे बी 24 बैंक में दिया है इन्होंने भी चेक 400 का। वी पेड आर जेम्स बाय चेक 766, आर जेम्स को हमने पे किए हैं 766 और कौन सी डेट को? 26 को, 26 को बैंक में हमने 766 आर जेम्स को दिए हैं। और 28 को सितंबर को जे बी पेड अस बाय कैश 80, जे बी ने हमें और पैसे पे किए हैं कैश पे 80। तो हम ये लिख लेते हैं 28 कैश 80। एल हॉप पेज अस बाय चेक 418, एल हॉप्स ने भी हमें 418 पे किए हैं बाय चेक, और ये है 30। तो सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी स्टेप की तरफ जो कि होता है क्लोजिंग। इसका है टोटल 520, इसका है 480। इसको 520 बनाने के लिए हमारे पास 40 रुपीज़ कम है यानी कि 40 यूरो, तो हम इसको 520 लिख देते हैं। और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन सी बाई डी यानी कि कैरी डाउन 40, और हमें पता है ये हम आखिरी डेट डालते हैं बिकॉज उसने बोला था कि एंड ऑफ द मंथ आपको बैलेंस ऑफ करना है, यानी कि बताना है कि कितने की कमी है जो कि हमें अगले महीने में पूरी करनी है। ये वो कमी है जो वो अगले महीने हमें पे करेगा क्योंकि ये हमारा डेप्टर था। पहली तारीख को ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, तो हम इसको लिख देते हैं ब्रॉड डाउन, जो अगले महीने को हमें करना है 40। तो इनका एक साइड आ रहा है 190 और एक साइड आ रहा है 630 प्लस 640, ये आ रहा है 1270। तो यहाँ पर कितने की कमी है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1270 माइनस 190, 1080। बैलेंस सी बाई डी 1080 की यहाँ पे हमें अगले महीने पूरी करनी है। बैलेंस बी बाई डी 1080। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये है 240 और ये इसको इसको मैं 1270 कर देता हूँ, और इसको 240 बनाने के लिए हमारे पास 215 रुपीज़ शॉर्ट हैं, तो हम यहाँ पे 215 का बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं, 215 जो कि अगले महीने हमें ब्रॉड डाउन करना है।
और इसका तो खाता सिंपल क्लियर है, इसको तो क्लोजिंग क्लोजिंग निकालने की जरूरत ही नहीं, इसका क्लोजिंग जीरो है। इसके बाद आ जाते हैं एफ राइस पे। एफ राइस की यहाँ पे एक साइड पे आ रही है 92 और एक साइड पे आ रही है 510, और 92 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी 602। तो इसको 602 बनाने के लिए 602 माइनस 92, 510 यहाँ पे शॉर्ट है, तो 510 कैरी डाउन, जो कि अगले महीने के लिए ब्रॉड डाउन होगा हमारा। यहाँ पे हो रहा है 280, यहाँ पे 280 करने के लिए 280 ही कम है पूरे के पूरे, बैलेंस कैरी डाउन 280 जो कि हमें अगले महीने पूरे करने हैं। और इनका खाता जो है एफओ का बिल्कुल क्लियर है, तो इसका कोई क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं निकलेगा। इनका 870 और इसका 766 प्लस 84 850 बन रहा है। 870 करने के लिए 20 यूरो शॉर्ट हैं, तो बैलेंस सी बाई टी 20, बैलेंस बी बाई डी 20। बेसिकली ये थे हमारे सारी ट्रांजेक्शन्स और इनकी क्लोजिंग। और इन द एंड स्टेप हमें ये बताना है कि इसमें से हमारे डेप्टर्स कौन है, क्रेडिटर्स कौन है। तो हमें पता है जो हमारे डेप्टर्स हैं वो JB, TDay और JSOL, और थे हमारा एक और LHOP। ये चार हमारे जो थे वो डेप्टर्स थे जिनकी, जिसमें से LHOP का खाता क्लियर हो चुका है, उसने हमें पैसे पे कर दिए थे बैंक में। तो जिनका अभी हमारा कैरी डाउन है जो कि अगले महीने हमें पूरा करना है, उनसे पैसे लेने हैं, तो JB, TDay, JSOL, JB, TDay एंड JSOL आर डेप्टर्स। और क्रेडिटर्स देखते हैं, क्रेडिटर्स में हमारा सबसे पहले डी ब्लू है, इससे हमने परचेसिंग की थी, एफ राइज है, आर जेम्स है, पीली है, जिसमें से हमारा जो है डी ब्लू का खाता क्लियर है, उसमें उसको हमने बैंक से पैसे पे कर दिए थे। एफ राइस पीली एंड आर जेम्स, ये वो हैं जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनका खाता अभी क्लियर नहीं है, वो अगले महीने हमें पूरा करना है। तो बेसिकली तीन हमारे डेप्टर्स हैं और तीन हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो ये सवाल इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ, अगर कहीं पॉज करके आपको कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं। और कोई भी आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगा। तो इसके बाद हम अपने बचे हुए बाकी के पुराने जो चैप्टर्स के सवाल हैं वो सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह उसकी वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।